अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद शेख। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं इंडियन मेट्रो, मेट्रो इन गुड़गांव के भाई मेट्रो है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। Nice. Also,
안내도 영어로 다 해주는 것 같아. 우와. 강연실이지만 안내도 다 영어로 해주고 외국인이 타고도 전혀 문제가 없을 것 같아. 학교 깨끗하다. Clean, clean. वैसे यार चेक करें पीछे यार ये तो गाँव एंजॉय करने वाला है। हाँ मैं तो बोल रही थी Believe me, you are from India. ये अच्छा अच्छा इधर खड़े हो रहे हैं। ये जो शाम भाई उन्होंने बनाए हुए हैं इधर जाएं खड़े हैं। मेगा मॉल। ये तो बहुत अच्छा है इसलिए शॉक है। 델리 메트로랑 여기서 환승도 되나 스칸더폴 스테이션 서 있을 수 있는 곳이 되게 넓게 돼 있어요. 콜레 카레 오사이 텐션 이런 하시 वगैरह 아니 진짜 와우입니다. 와우. 레이트 कर जाए. 클린 비트니 솔직히 인도 오기
전에는 그냥 막 흑화가 아, 이 답이 있는데 몸이 뒤에 있는 게 우리가 인도에 대해서 되게 잘 모르는 줄 알았어요. 와, 진짜 그동안 살면서 일본 많이 발전한 것 같아. 인도가 많이 발전한 것 같다고 아키카 뭐 야다야 지하철도 진짜 놀랐어요. 이건 너무 타고 다닐 만한데? 이거는 뭐 한국 지하철이 되게 세계적으로 많이 발전된 편이라고 들었어요. 근데 건질 만한 한국은 와이파이 이런 시설도 잘 되어있구나. 너무 깨끗하고 너무 깨끗. But it's so clean and so comfortable. 인도 여행 오시면 그냥 지하철 타고 다니는 게 너무 돼요 진짜. So, clean वाला लफ्ज नहीं छोड़ना है ना भाई कहीं कहीं की स्मेल भी नहीं आती है ये अच्छा है गुरु तो खास दावा ना ये क्या ना बोलूँ लगे नाबाल ते ना कुछ नहीं बोलने को कबाब चलो बोलने को नहीं अन्य को here यही बना अन्य वो या इसने तबला बना दिया मेरे को रास्ता समझाओगे यहाँ से कैसे कैसे가는 것 같은데 아니었어. 하피나이 고마워. 도와주러 나오십니다. 그리고 헬프 그랜드는 이제 나오죠. 언니 터치. Thank you. Yes, 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 강아지도 안 되고 울 카페 보내고 역마다 화장실도 있는 것 같아요. 이쪽으로 나가보겠습니다. 그리고 이렇게 다니니까 뭔가 차나 릭셔 타고 다닐 때랑 좀 달라요. 더 건물 하나하나 거리 하나하나 더 자세하게 볼 수 있는 것 같아서 लोगर थोड़ी माठी है लेकिन चीजें घूम के दिखा रही है지하철을 타고 난 진짜 한국에서는 리프트 출퇴근을 지하철로 해서
저 약간 저 삶의 일부분이었거든요. 내려서 바로 앞에 이렇게 사이버시티가 있어. 안내를 받고 핸드폰을 꺼냈습니다. 사이버시티오 진짜 오랜만입니다. 어디를 가볼까? 저 지금 지하철 타기 성공해서 기분이 좀 좋은 것 같아요. 아 진짜 जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे भाई, तो कोरियन व्लॉगर थी, लेकिन वो तो ऐसे एक्सेप्ट भाई मान लेती जैसे कि भाई उसने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं हो। अब देख लें कि हर चीज के साथ क्लीन है, क्लीन है, क्लीन है, लेकिन यार मेट्रो वाले वाकई यार थी भाई। हमने भी वीडियो बनाई है यार, उसने देखी है पहले, मतलब कि सब कुछ ही देखा हुआ है, लेकिन इंडिया में नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि ऐसी चीजें। हम देख लें कि भाई पहले हमने बहुत वीडियो बनाई, लेकिन ये जो मेट्रो है ना भाई, कमाल की थी, यकीन माने हमने। रियली यार इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह RRTS है ना, वो देखी, वो उसका एक अपना लेवल है। और उसके अलावा बाकी भी जो मेट्रो हमने देखी हैं, जो मतलब अभी कुछ दिन पहले भी एक स्टार्ट हुई थी, जिसमें वो येलो और उन्होंने लगाए हुए थे रेड, आर किसी का अपना रूट है, उसका भी अपना था।
लेकिन ये चीज जो है ना, ये यार कभी नजरों से नहीं गुजरी। इसलिए जो है ना हम थोड़ा सा, थोड़ा तो नहीं बहुत ज्यादा शॉक्ड, और बिल्कुल जो है ना जिस तरह वो बार बार क्लीन क्लीन, इसमें कोई शक नहीं है, उसका बहुत अच्छा इंफ्रा बना हुआ है और बहुत प्यारी चीज है वो, बहुत एक सुकून वाला माहौल है उसके अंदर। नहीं आप देखो ना, अब कोरिया में मतलब के एक आपको उधर भी ब्रांड चीजें मिलेंगी। हाँ, मिलेंगी हर चीज मतलब के परफेक्ट है। तो अभी देखो ना उसने के मतलब के कंपैरिजन किया है छोटा सा, तो उसने भाई इंडिया की बोला कि ये इधर मुझे सेम टू सेम वही फीलिंग है, वो चीज है, कोई मतलब के डिफरेंट चीज मुझे महसूस ही नहीं हो रही। अब जहरी बात है कि भाई हम खुद कोई परेशान होते थे जब एक देखते थे ना ये चीजें। आप तो काफी व्लॉग भी बनाया है, काफी वीडियो भी कवर किए हैं, हर चीज देखी हुई है, लेकिन जैसे उसके ख्याल आते कि भाई रोड ऐसे खराब होंगे, हर चीज खराब होगी, तो अब भाई उसको भी वो भी एक मतलब शौक हो गया कि कांट ब्लीड। ये लफ्ज बिल्कुल इसके ऊपर जचता है, क्योंकि एक तो उन्होंने मेट्रो का हमें टूर करवाया, लेकिन उसके बाद उसने गोरगांव सिटी साइबर हब आपने देखा। हाँ, और वो जो है ना वो एक बहुत ही एक भाई ये सबसे बड़ा कर था यार। आगे के आप भाई वीडियो गोरगन की देखें यार, मैं लग ही नहीं रहा था यार इंडिया, ये सही बात है यार, वाकई नहीं लग रहा था। लेकिन देखो ना अब काफी चीजें उधर मतलब क्या है, इधर हमारी सिटी में एक प्लाजा वो फैसलाबाद गैलरी, यकीन करो वो एक लैलपुर गैलरी, फैसलाबाद लैलपुर एक ही हो गया ना। तो उधर भाई एक बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन जो जान का भाई टिकटॉकर फोटोग्राफर उसके आगे भाई ये देखो मैं इधर यार यकीन करो मैं 3 दफा वहां पे गया, कुछ भी नहीं क्या, कुछ भी नहीं, नहीं है यार कुछ यार, आगे से थोड़ी बहुत सीढ़ियां हैं बस, ये तो उन्होंने स्टेशन के ऊपर इस तरह की सीढ़ियां लगाई हुई हैं यार, जो उसका ना फ्रंट है ना बना हुआ लैलपुर गैलरी का, लेकिन हमारे लोगों के लिहाज से शायद वो बेहतर हो, लेकिन वहाँ पे मुझे तो कोई चीज ऐसी खास नजर नहीं है। जो बंदा एक दफा शॉक्ड होना वो जस्ट लगे हुए है कि लोग पागल हो जाते हैं ऐसी चीजें देख कर, देख ही नहीं ना पहले 75 साल हो गए ऐसी चीजें देख ही नहीं है, अभी कौन सा देख रहे हैं हमारे तो भाई एक 50% लोगों ने वो सीढ़ियां नहीं देखी, वो बिजली वाली, बिजली वाली है ना। हाँ भाई भाई वो देख लो इसका भाई, वो उधर चढ़ रही थी ऊपर उन सीढ़ियों, या यहाँ पे डर रहा था इसका पैर तो नहीं फुसल जाएगा, पाउंड नहीं बीच में आ जाएगा। तो भाई इधर देखे जो नहीं भाई, पहली दफा इधर पाकिस्तान में है ही नहीं, चांद जगहों पर है, चांद पर है भाई, वो भाई तो पर स्टेशन पर लगी हुई है आपके मतलब के, जो एक हाल में इंटर होने की एक कीमत बोल देते हैं कि आपने इंटर होना है तो पैसे देकर इंटर होते हैं, वीडियो पर चढ़ना है उसके पैसे अलग है। मैं जैसे बोल रहा था ना कि भाई ये तो किराया 35 रुपया ले रहे हैं, ऐसे भाई देखने का 100 रुपया ले लेते हैं। हमारे इधर ऐसे मतलब के मॉल बने हुए शॉपिंग हॉल के, उसकी इंटर जब इंटर आपने होना है ना तब भी पैसे देने हैं, चीजें तो बाद में खरीदनी है। तो भाई आप लोटी लाई कंपैरिजन करें, इन्होंने लोटी लाई, अभी दिल आपका कर भी पड़ता है कि उधर घूमने के लिए, लेकिन टिकट देकर जाएं भाई, वो फ्री में तो कोई चीज। पहले हमने कोरियन वो बॉय देखा था लड़का, वो भी कमाल का वीडियो कर रही लगा, वो कभी वो आएगा एक दफा फिर आएगा इंडिया में, वो कभी कभी आता है भाई आप तो भी लेकिन इतने देर वो रहता है ना, मजा आ जाएगा। तो हर चीज कोई उसका भाई, एक राजस्थान वाला छोड़ा, हाँ राजस्थान वाला लेते हैं भाई। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।